महासंग्राम, वो कुरुक्षेत्र जिसने पैदा की कई ऐतिहासिक चीजें, महासंग्राम के तीन सरताज, और आज से इस महासंग्राम की पूरी शक्ति भी है इनके हाथ। इन्होंने दिया है जीवन दान उन दो टीम्स को जो इस महासंग्राम से हो चुकी थी शहीद। पूरंस की करिश्मा ख्याली और शेट्टीज के परेश भारती और शरद को मिला है जीवन दान। तो बाकी टीम्स सावधान, आज है हमारा ऑब्जेक्ट स्पेशल। हर टीम का एक मेंबर बेजान चीजों को देगा जुबान और दूसरा होगा हैरान या करेगा परेशान। कृष्णा सुदेश, जिनकी परफॉर्मेंस हमेशा ऊपर ऊपर, वोट्स ऊपर ऊपर, स्कोर्स ऊपर ऊपर और ऊपर। अब इन्हें ऊपर रहने की इतनी आदत हो गई है कि वो अब ऊपर ही रहने लगे हैं। सुदेश बने हैं प्लेन्स और घुमा रहे हैं वेरियस आर्टिस्ट कृष्णा को। प्लीज वेलकम सीजन टू के सुमान सुदेश और कृष्णा। पागल है तू? सर जी थप्पड़ नहीं मारना, मैं समझा रहा हूँ कि अपना जहाज कंट्रोल में रखो। आपका नाम कालिया है तो माले वाले काम ना ना करो आप। सबसे पहले तो जज साहब। साले जज भी अपनी औकात के हिसाब से चुन लेता है। एक मिनट, अब बोल। जैसा देखो, हर गरीब बंदे की तमन्ना होती है कि उसके पास एक कम से कम अपना जहाज प्राइवेट हो, वो जब चाहे जहां चाहे उड़ा ले। क्यों शेखर जी? हाँ जी। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? ओ यार मैं पहले उनके पास था, पूछ लो। शेखर जी पहले जहाज उड़ाते थे? नहीं नहीं, जहाज उड़ाने के लिए उन्होंने पायलट रखा हुआ था, वो तो बस एयर होस्टेस ही उड़ाते थे। शेखर यू टू? शेखर जी आपको पता है मैं कभी कभी मना कर देता था उड़ने के लिए। तो तब ये क्या करते थे? फिर कुछ ना कुछ तो उन्होंने उड़ाने था, फिर वो पतंग उड़ा लेते थे। कटकी मी टू शेखर। बकवास बंद कर, कितनी बेइज्जती करेगा तू? सुन अभी ज्यादा बोला ना तो मैं तेरे गलत तार जोड़ दूंगा, उड़ नहीं पाएगा तू। तू जोड़ दो, मेरा क्या है, बदनामी आपकी होनी है। लोगों ने कहना कालिया साहब का जहाज नहीं उड़ता आजकल। चुप, चल टेक ऑफ लेते हैं। ये क्या हो गया? कल ही तो मैंने पेट्रोल भरवाया था, लगता है इसकी टांकी फटी हुई है। टांकी फटी, पेट्रोल डालना पड़ेगा। टेक ऑफ लेते इतने झटके तू क्यों लेता है तू? सर जी अभी तो आपने मेरी लैंडिंग नहीं देखी, मैं इतने प्यारे झटके लेता हूँ आपको पता नहीं चलेगा कब मर गए हो आप। सर जी मौसम खराब हो गया। सुन सुन, अबे मौसम खराब है, लगता है मुझे पीछे जाना पड़ेगा। क्यों? वो पीछे ना डॉली एरोस्टिस, वो खराब मौसम में और भी औसम हो जाती है। जा जा। जा जा। देखो कैसा मूर्ख बंदा है, जेट की फ्लाइट में सहारा देने चला गया। डॉली चीज ऐसी है, वो मौसम ठीक भी हो ना तो ऐसे झटके देती है, ऐसे झटके देती है, जहाज को मैं बता नहीं सकता, उछल उछल के चलेगी। What would you like to have? What would you like to drink? ला 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 उले लो। ला 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 उले लो। Hey!
अबे एक ही जगह खड़ा रहना, इधर उधर क्या घूमता रहता है? वो मैं जहाज हूँ, मैं एक जगह खड़ा नहीं रह सकता। ये क्या चक्कर है? बाहर तो इतना अच्छा मौसम खराब नहीं था, इतना खराब जितना लग रहा है तेरा। अंदर का तूफान बाहर के तूफान से कहीं बड़ा था। अच्छा एक बात बता, क्या देख के तुमको रख लिया कालिया ने? हेडलाइट, हेडलाइट ऑन कर। साले इतना अंधेरा हो गया इधर। वाह, तू मुझे ये बता कि तुम्हें नौकरी मिली कैसे, ये बता। बहुत लंबा किस्सा है। 6 टेस्ट लिए थे कालिया साहब ने। उन्होंने मुझसे टेस्ट लिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा पुराना मालिक था ना शेखर, उसने प्लेन के साथ मुझे कालिया साहब को बेच दिया। हेलो, तू रोती क्यों है? बेच दिया, तू मना कर देती। मना कर देती तो उनका प्लेन कैसे बिकता? और यू नो, पैसे की भी तो प्रॉब्लम थी। शेखर जी, आपको भी पैसे की प्रॉब्लम थी, आप तो बाहर भी काम कर रहे हो। हराम जादे, इनको नहीं मेरे को पैसे की प्रॉब्लम थी। मुझे थोड़ा बहुत पैसा कमाने का था, 8-10 करोड़ रुपया। 8-10 करोड़? ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता है। पर 8-10 करोड़ तूने इतने पैसे क्या करना था? मेरी कितनी प्रॉब्लम है घर में। मुझे अपनी मम्मी की शादी करनी है। डैडी का मुंडन करवाना है। थप्पड़ मार रहा तेरा। वो तू पागल है? है? तेरा हर काम उल्टा है? तभी तो शेखर ने मुझे नौकरी पे रखा था। तुझे क्या लगता है? शेखर को सीधे लोग पसंद नहीं है। ओ वाओ, वाओ, वो देख धरती कितनी खूबसूरत लग रही है। एक बात की समझ नहीं आई। हाँ? कि तुझे अंधेरे में बड़ा साफ दिखाई देता है क्या मतलब? यू नो, ये वाली क्वालिटी शेखर को बहुत पसंद थी। शेखर साहब, आज ये जहाज आपको मान गया, आप टैलेंट की कदर करते हो। ये क्या हो गया? पता नहीं, मौसम तो ठीक है, झटके क्यों लग रहे हैं? लगता है वो हरामजादा कालिया फिर से उठ गया है। मेरे जिंदगी खराब हो गई मेरी। मैं भी उसको बैठती देख आती हूँ। कालिया 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 ए कालिया कालिया। देखो, मेरे को बेवकूफ बना रही है, कहंदी अंदर बेड टी देके आती हूँ। मुझे पता है अंदर टी है, इन्हीं सिर्फ बेड ही है। खबरदार, जो तुम हाथ ऊपर किया तो हाथ नीचे करो और चलते रहो। उड़ो उड़ो उड़ो। सर जी, मुझे आप ये तो बता दो, आप हो कौन? हम आतंकवादी। ओ सर जी, ये काम बिल्कुल ठीक नहीं है, बुरा काम है। और एक ऐड कर लो छोटी सी। हिप्पो का मानना है कि हर बुराई की जड़ भूख होती है। हिप्पो खाओ, भूख मिटाओ। खा लो सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर जी खा लो, देख लो, ताकि फिर मैं कह सकता हूँ कि आप मुझे नहीं मार सकते क्योंकि आपने मेरा हिप्पो खाया है। पठान कुछ भी खा ले, लेकिन मारता जरूर है। हमने तुमको हाईजेक किया है। सर जी, हाईजेक क्या जरूरत थी इस फॉर्मेलिटी में? बैग आप मुझे वैसे ही खरीद लेते, कालिया साहब ने 800 का भेज देना था। प्लेन 800 का? नहीं नहीं, मैं तो फ्री हूँ, डोली 800 की है। hey! हम पठान का बच्चे है, हमको डोली में नहीं गोली में इंटरेस्ट है। हम बहुत डेंजरस आदमी है। नहीं सर,
आप बड़ी डरपोक आदमी है। ओए आप पीछे से घुस के मारते हो, शर्म नहीं आती? हैं? यार मैं तो हैरान हूँ, अमेरिका की बिल्डिंग में आपने सामने से कैसे घुसा दिया? क्योंकि वो बिल्डिंग था। अभी हमको एक दूसरा बिल्डिंग में घुसने का है, चल ऊपर लेके चल। अबे ऊपर बोले। सही, मुझे हाइट से डर लगता है। ये पहला प्लेन देखा है जिसको वर्टिगो प्रॉब्लम है। सही, सच्ची बताओ, आपको प्लेन चलाना आता है? नहीं। समझो फिर मैंने आपको हाईजैक किया है। तू हमको हाईजैक करे या हम तेरे को हाईजैक करे, गोली तो पता नहीं चलेगा। मैं समझ गया, खरबूजा चाहे छुरी पे गिरे, छुरी चाहे खरबूजे पे कटेगा खरबूजा। चलो कटने की बात चली है तो इसको भी साथ ले लो, मेरे भी दिन कट जाएंगे। ले लो इसको थोड़ा। हाँ, चल आजा 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 आजा। ये हुई ना बात। शेखर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। स्टैंडिंग ऑन दैट। ओह माय गॉड, इस शो को फ्रेम करा के, इस एक्ट को फ्रेम करा कर हमेशा के लिए रख लीजिए। अर्चना, तुम दोनों ने मेरी कॉमेडी की भूख मिटा दी। सो हियर्स अ हिप्पो फॉर यू इन प्लेन लैंग्वेज, राइट? माइंड ब्लोइंग। और आप दोनों का ऑप्शन है, आप पैदल चलिए, साइकिल पर आइए, गाड़ी में या फिर प्लेन में, लेकिन आई वांट टू टेक यू होम। रोहित, आई एम कमिंग देयर। ऑलराइट, आज पहली बार आप मेरे कान में कह के गए हैं कि मेरी फिल्म में तुम काम करोगे, मुझे बड़ा। अच्छा ठीक है सुदेश, कृष्णा के साथ आप मेरी फिल्म में काम करोगे? माय प्रेशर सर। माय प्रेशर। यस, 10 पॉइंट्स एंड अ हिप्पो, जोरदार तालियां। 10 पॉइंट्स फुल स्कोर। खयाली ने बनाई है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, वेले वेले के बैठ है। प्लीज वेलकम हमारी कमबैक जोड़ी, सीजन वन के पूरंस, करिश्मा इज बुर्ज खलीफा एंड खयाली इज वेरियस आर्टिस्ट। पहचाना क्या आप लोग भी? आज मैं पूरे कपड़े पहन के आई तो मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा है। अरे मैं दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हूँ, बुर्ज खलीफा। इंसान ने मुझे इतना लंबा और ऊंचा बनाया कि मेरा टॉप, शेखर जी मेरा टॉप यहाँ है। माशाल्लाह क्या बिल्डिंग है, गाड़ी किधर खड़ी करूं? पार्किंग में। लेकिन तुम्हारा तो पार्किंग भी बेसमेंट में होगा। अबे बेशरम, कौन है तू? अरे हमको नहीं पहचाना, लगता है दुनिया की तरह तू भी ऊंचाई पे जाके उसको भूल गई जिसने तुझे बनाया। क्या तूने मुझे बनाया? तो तुझको क्या लगता है तू इस शो में अपने टैलेंट पे जिंदा है? देख लो, मुझ बुर्ज खलीफा को इस बुजुर्ग खलीफा ने बनाया है। खबरदार जो हमको बुजुर्ग कहा तो, इस उम्र में जब हम तुमको खड़ा कर सकती है तो मेरा मतलब अच्छी शेद के लिए जिम भी खड़ा कर सकती है। 5 साल पहले तुम मुझे बनवाने आए थे वो मैं समझ गई, लेकिन उस वक्त तो तुम बड़े हैंडसम थे, अब तुम काफी बूढ़े हो चुके हो। हम शेख हैं, शेखर थोड़ी है, दिन ब दिन जवान होते जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है समझ में आ गया मुझे। तुम मुझे ये बताओ तुमने मुझे इतना लंबा क्यों बनाया है? अगर हवाई जहाज मुझसे टकरा गया तो? तुम UAE में हो, USA में नहीं हो। हाँ ठीक है, लेकिन तुमने मुझे इतना लंबा क्यों बनाया है? अगर मैं झुक गई तो तुम्हारी नाक कट जाएगी, दुनिया के सामने तुम्हें झुकना पड़ेगा। ए, हम पठान है, झुक जाएगा। मुझे ये बताओ कि मैं दुनिया की ऊंची लंबी बिल्डिंग हूँ, तुमने मुझे इतना लंबा क्यों बनाया है? मुझे दुनिया के 7 अजूबों में जाना है। 7 अजूबों में आना? तू इस शो में वापिस आ गई, वही बहुत है। तो ठीक है, ओपनिंग कौन कर रहा है? ओपनिंग सचिन से अच्छी कौन करेगा? अबे हरियाणवी शेख, मैं क्रिकेट की ओपनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे ओपनिंग की बात कर रही हूँ। शाहरुख खान को बुलाओ मेरी ओपनिंग के लिए। वो अपनी फिल्म की ओपनिंग ढंग से नहीं कर पाया, तुम्हारी ओपनिंग किधर से करेगा? हाँ तो ठीक है,
ये शेख शेखू ना शेखू उसे बुलाओ ना मेरे उद्घाटन के लिए। उसको पूछना पड़ेगा कि वो बिल्डिंग का उद्घाटन करता है कि नहीं करता। तो फिर ये जो बगल में चिकना है ना वो अर्चना। अरे रोहित। ओ रोहित की बात करी उसे बुलाओ। कैसे पागल की बात करती है, बिना पैसे बेचारा किधर किधर काम करेगा। अरे जब से कॉमेडी सर्कस में जज बना है वो एंजॉय करने के लिए पवई नहीं गया, दुबई कहां से जाएगा। तो यार क्या ऑप्शन रह गया है, अर्चना पूरन सिंह को ही बुलाओ। अरे तुम पागल हो गया क्या, अगर भूल से उन्हें आई वांट टू टेक यू होम की जगह आई वांट टू टेक अ होम बोल दिया तो फालतू में फ्री का फ्लैट देना पड़ेगा यार। तो मैं कोई बड़ा आदमी लेके आता हूँ उद्घाटन के लिए, राजपाल यादव। ठीक है जाओ। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ। अरे यार कल एक आदमी बुलडोजर लेकर आ गया तो मैंने कहा बुलडोजर क्यों लाए हो, तो उसने कहा अरे और क्या तेरी बिल्डिंग के जहाज की फसा दूं अंदर। अरे यार तो मैंने कहा इतनी बिली बल्ली को गिराना क्यों है। अबे तेरा एक माला गैर कानूनी बना हुआ है। तो मैंने कहा इतनी बड़ी बिल्डिंग हो चुकी है, अरे एक आध माला गिर गया तो क्या फर्क पड़ता है यार। अबे ग्राउंड फ्लोर गैर कानूनी है वो गिराना है। मैं क्या गलत जगह खड़ी हूँ। अबे जैसी तेरी कॉमेडी है तो बिल्कुल सही जगह पे खड़ी है, डेंजर जोन। बल्ला बल्ला दुबई क्या चीज है, ओह क्या चीज है, दुबई में भी पंजाबी मोहल्ला क्या चीज है, पंजाबी मोहल्ला माडा ने यहां भी तीन बिल्डिंगें बनाई है। ओ मेरा कैमरा खराब हो गया, लगता है बीच वाली बिल्डिंग में बहुत जान है। बल्ला ओ इतनी ऊंची बिल्डिंग, बिल्डिंग के तो फोटो उतार सकता हूँ ना, इसकी जगह करिश्मा तन्ना होती तो। कौन है तू? अबे इंडियन। थूकते ही पहचान लिया। दुनिया में सिर्फ इंडिया नहीं है जो कहीं भी थूकते रहते। और खलीफा मैडम ऐसी बात नहीं है, अभी मैं आ रहा था रास्ते में कूड़ेदान पड़ा था वहां तो नहीं थूका। यही तो कह रही हूँ, जहाँ इंडियन को जो काम करना होता है वो तो करता नहीं है, जहाँ नहीं करना होता है वहाँ कर लेता है। यही तो हमारा टैलेंट है। अब देखो मेरे को कनाडा जाना था, ट्रेवल एजेंट मुझे दुबई छोड़ गया। इसमें उसकी गलती नहीं है, बकरी के वीजे पे यहाँ आ गया वो ही बहुत है। बकरी के वीजे पे? ओ तुम्हें क्या लगता है सुरेंद्र अपने वीजे पे आया? ये तो बड़ी गलत बात है यार। बिल्कुल गलत बात है, मैं खुद इस बात पे हैरान हूँ भी, जिसको गधे के वीजे पे आना चाहिए था वो भालू के वीजे पे आया। ओ देखो आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मैं जुबान देता हूँ। नहीं मैं मुंह से निकली हुई चीज नहीं लेती हूँ। मैं अंडा लेके आता हूँ। ओ, मैं तेरे अंदर एक फ्लैट लेना चाहता हूँ। मिलेगा? नहीं हाउस फुल बुकिंग हो चुकी है, सिर्फ ऊपर का माला खाली है। ये तो मुझे पहले एपिसोड से ही पता है। सारी बिल्डिंग बुक हो गई, किस किसने फ्लैट लिया? अरे हाल ही में यहाँ अमर सिंह ने घर लिया है। ओ अमिताभ बच्चन ने अभी फ्लैट ले लिया? नहीं नहीं इस बार अमर सिंह ने खुद का घर लिया है। वो जहाँ भी ऊंची चीज देखता है चाहे आदमी हो है या फिर बिल्डिंग हो वहीं घुस जाता है। अरे यार तू यहाँ मैसेज देने आया कि कॉमेडी करने आया है? मैसेज से याद आया, मेरे घर पे मैसेज पहुँचा देना मेरे मरने के बाद। मरने के बाद? हाँ टाइम क्या हुआ है? 7 बजे। वो मेरी सुसाइड का टाइम हो गया। अरे यार तू सुसाइड मत कर, मेरी अभी तक ओपनिंग नहीं हुई है तो क्लोजिंग करने आ गया। देखो तू एक हैंडसम आदमी का टाइम खराब कर रही है, ये हैंडसम होना भी कितना गुनाह हो गया यार। अरे यार तू सुसाइड क्यों कर रहा है? मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है। शुक्र मान के तुझे धोखे से किसी ने गर्लफ्रेंड दे दी, जैसी तेरी ये शक्ल है तेरा तो 3-3 बार सुसाइड करना बनता है। इसीलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ, दुनिया वालों मैं जा रहा हूँ, ऊपर वाले मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, डट जाऊंगा, फट जाऊंगा, पार दूंगा, पार दूंगा। खलीफा मौसी तो वाक्य में बहुत ऊंची है, हमें तेरे ऊपर से कूदूंगा तो मरते मरते 2.5-3 साल लग जाएंगे। दुनिया वालों मुझे माफ करना,
करिश्मा तन्ना, रिहर्सल के बहाने जो तेरे इधर उधर हाथ लगाए, मुझे माफ करना। जज महोदय, जब भी आपने कम नंबर दिए, हमने आपके बारे में बुरा भला सोचा, हमें माफ करना। मैं आ रहा हूं ऊपर वाले, हम मरना तो पड़ेगा ही। मरा नहीं? नहीं, ख्याली तू जिंदा है। अबे मैं 3 साल से तेरे ऊपर मर रहा हूं, तू महसूस तो कर। देखो अर्चना जी, बिल्डिंग बना दिया इसको, बिल्डिंग बना दिया, इसके ऊपर से कूदा फिर भी नहीं मरा, इसका मतलब ये वाक्य में ही किसी काम की नहीं है। पूरन दा बैक। बहुत ही स्वीट, बहुत ही क्यूट और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था। थैंक यू, थैंक यू सो मच। रोहित, इनका कंपटीशन मेरे शेट्टीज के साथ है, मैं टेंशन में आ गया हूँ। अब देखते हैं आपके स्कोर। एब्सोल्युटली गिव यू अ परफेक्ट 10 पॉइंट्स। आई गिव यू अ 9 पॉइंट्स। रोहित, मुझे आपसे एक जरा काम था। आपके पास 500 रुपए हैं, वो क्या है, मैं पैसे लाना भूल गई और मैं एटीएम से पैसे निकालने गई थी, ऐसा नहीं है, गई थी, लेकिन वो एटीएम की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पैसे देने की बजाय पैसा मांग रहा है। प्लीज वेलकम सीजन 1 के पुरान स्वप्निल एज एटीएम एंड वीआईपी एज वेरियस आर्टिस्ट। हाय रोहित, क्या आजकल तूने मेरे पास आना ही बंद कर दिया? कॉमेडी सर्कस कर रहा हूं ना। बराबर है, अब जब कभी चेक आएगा तो तुम मेरे पास आओगे। ओ छा गए गुरु, छा गए, चकदे पट्टे पकदे बिल्ली। ओ मैंने क्या रास्ता काट दिया, 5 मिनट में मर गई बिल्ली। सुरेंद्र का डुप्लीकेट। ओ चुप कर, मैं वो नहीं सिर्फ तबले से काम लेता है, मैं तो वो हूँ जो तबले के साथ साथ सेक्सोफोन भी बजा लेता है गुरु। ओ गुरु गुरु, अब समझ में आ गया। क्या ना, मैंने आपकी सिर्फ शक्ल पे ध्यान दिया था, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं, अब मैं पहचान गई। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम वो हो जो मैं समझ रही हूँ तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाया तो यहाँ क्या कर पाऊंगा। मैं तो किसी को ढूंढने आया हूँ और ढूंढ के ले जाऊंगा गुरु। बताओ ये ढूंढ रहा है? अबे इंडस्ट्री में लोग उसको ढूंढ रहे हैं जो तुझे इंडस्ट्री में लाया है। ओए अपने मुंह को लगाम दे और अपने मुंह को कर दे मौन। और पता नहीं, इतना तो मैं भी नहीं बोलता, तू बता है कौन? मैं वो हूँ जो एक पल में भिखारी को शेख और शेख को भिखारी बना सकती हूँ। ओ याद आ गया गुरु, तू राखी सावंत है। अबे मैं पैसे देती हूँ, पैसे लेती नहीं हूँ। एक काम कर, तू ये पैसे रख ले। शादी के बाद मुझे पता चला मेरा कोई साला नहीं है, तू मुझे पैसे दे रही, अब तक मैंने कार्ड डाला नहीं है। अरे ये मैं तुझे अपने अकाउंट से दे रही हूँ, अब तो जा, दफा हो जा यहाँ से, पैसे ले और जा। ओ चला गुरु बजाओ। जितना टैलेंट ये आदमी बोलने में वेस्ट करता ना, उसका 10% अगर ये क्रिकेट में यूज करता। अरे झकास, ये अर्चना सीजन 1 में जॉनी भाई के साथ, सीजन 2 में शेखर के साथ, सीजन 3 में रोहित के साथ, बोले तो तेरा टेस्ट अपुन के मापे एकदम झक्का से रे। एक 50 रुपए का मेरी तरफ से भी नाचना। सॉरी सॉरी, मैं तो आपको ये पूछ रही थी कि आप अभी अभी लोकल ट्रेन से आए क्या? नहीं, आप इतना हिल रहे, मुझे लगा आप हमेशा लोकल ट्रेन में ही ट्रैवल करते हैं। हेलो हेलो, ओ हेलो, ये सर्किट। अरे हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है? अरे अपुन तेरे को ना बोल रहा है। अरे यही तुम्हारी प्रॉब्लम है यार, तुम्हारा डायलॉग, तुम्हारा फेस और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तीनों चीजें कभी मैच ही नहीं करती है। कैसे समझ में आएगा तू क्या बोल रहा है? चल तेरा पिन कोड बता। चल बोले तो
400043। अरे येड़े, मैं तेरे एड्रेस का पिन कोड नहीं पूछ रही हूँ, मैं तेरे कार्ड का कोड पूछ रही हूँ। एक कार्ड डाल के पैसा निकालने का नहीं, बल्कि फोर डाल के पैसा निकालने का। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? मैं भारतीय नारी हूँ। भारतीय में रिजर्व बैंक की, भारतीय रिजर्व बैंक की एटीएम हूँ मैं। क्या कर रहे हो तुम मेरे पास? नहीं ना पप्पी, आई कॉल द मीडिया, कॉल द मीडिया। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यहाँ पे। और इस एक्ट में तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि मुझ पे जुल्म मत करो, मैं औरत हूँ, कोई मशीन नहीं। तुम ये सब कर लो, मैं कल आती हूँ। मैं रजनीकांत, रजनीकांत। सर आप सुपरस्टार रजनीकांत हैं? यस सर। मैंने सुना आप एक पिक्चर के 20 करोड़ रुपए लेते हैं। बिल्कुल सही सुना है। तो कोई देता है कि नहीं देता है? என்ன குடுக்க பார்த்தா என்னடா என்ன என்ன சொல்லு கிடைச்சப்பா அப்படி கிடைக்கிறீங்களா என்ன நாதுரை சொல்ல சொல்ல நூதுர சொல்ல மாடி அபி ஏ சப் ஹிந்தி மே போலோ கியூகே மே பெண்ட்ரா பேங்க் கா ஏடிஎம் ஹூ ஆந்திரா பேங்க் கா ஏடிஎம் நஹி ஹூ உஸ்கோ பி கார்ட் மேரே பாஸ் ஹே யே லே சார் யே ஆப்கா பான் கார்ட் ஹே ஓ சாரி யே லே சார் யே ஆப்கா எலெக்ஷன் கார்ட் ஹே யே லே सर ये आपका विजिटिंग कार्ड है। ये ले। सर ये आपकी गर्लफ्रेंड का ग्रीटिंग कार्ड है। सर आपके पास एटीएम कार्ड है? एटीएम कार्ड? एटीएम कार्ड पहले बोलने का ना, एटीएम कार्ड सही है। फोकर ने मेरे को एक्शन बिक्शन कराने पे लगाया। सर कार्ड गया आया नहीं, कौन सी बैंक का कार्ड था? मैं रजनी कांत। यस सर। ऊपर कार्ड? यस सर। नीचे पेमेंट? पैसा खत्म? खत्म। एक्ट भी खत्म। शटर डाउन। अर्चना पहले पूरन धमाल, दूसरे पूरन सुपर धमाल, यानी क्या बात क्या है? द पूरन्स आर बैक एंड हाउ। रोहित, व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट एन ऑनेस्टी, फैबुलस। शेखर, बहुत अच्छा किया आप दोनों ने, एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू टुक अप द चैलेंज, फॉट बैक, एंड व्हाट अ विक्ट्री एंड व्हाट अ कमबैक। शेखर, टेक हर। This is cool. Oh, yes, thank you. एक पैसा पर सेकंड, आधा पैसा पर सेकंड। मोबाइल्स की नई नई स्कीम्स ने तो बेचारे पीसीओ की बोलती ही बंद कर दी है, लेकिन हमने दिया है एक मौका पीसीओ को भी बोलने का। अनफॉर्चुनेटली आज इनका साथ देने के लिए उनकी क्यूट गंगूबाई नहीं है, शी इज नॉट फीलिंग वेल। प्लीज वेलकम सीजन 3 के शेट्टीज, राजीव एस पीसीओ विद रश्मि एज वेरियस आर्टिस्ट। नहीं नहीं नहीं, आप गलत सोच रही हैं, आप महान हैं, आप तो डोरबेल पे भी हंस लेती हैं। मैं तो बस आज आया हूँ तो सोचता हूँ बोनी अच्छी सी हो जाए, कोई खूबसूरत लड़की आए, अपने बॉयफ्रेंड से बातें करे और पपियां मुझे दे जाए। हाँ हाँ, हम बोल रहे हैं जावेद, हाय गाना सुनिए। जिंदगी है तो सांसे है तो कपाल भाती, कपाल भाती है तो कश्मीरा है, कश्मीरा है तो कृष्णा है, कृष्णा है तो सुदेश है, सुदेश है तो गाना है, गाना है। हाँ जी, तो बताइए गाना कैसा लगा? हेलो हेलो हेलो, लगता है फोन कम वक्त हैंग हो गया है। अरे ये तो मोबाइल हैंग हो गया, इनके मुंह के सामने आप सूरज रख दो वो हैंग हो जाए। टेलीफोन कहाँ डालूं? डाल दिया कॉइन। टिंग 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 टिंग। हेलो, हम बोल रहे हैं, शायरी सुनिए। एक सुंदर सा फूल खिला है तेरे रुखसार पर। सारे फूल मेरे रुखसार पे गिरे हैं। ए सुंदर चांद पास आ जा। चांद तू तो आ ही जा, कम से कम तेरी पानी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो। दांत देने के लिए थुकरिया थुकरिया, ठंडी ठंडी हवा चली।
अबे मुझे गीला करके ठंडी ठंडी हवा चला रहा है, मुझे तो कोल्ड हो जाएगा मम्मी। हेलो हेलो कमबख्त, ये फोन भी घटिया है। मेरे को घटिया बोलने वाले, तेरे मैं हर अच्छे काम को घटिया साबित कर दूंगा। कितने अच्छे अच्छे डायलॉग लिखे हैं इन्होंने। नाच बसंती, जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरे यार की सांसें चलेंगी। बात ही हंसने वाली है। अब बसंती के पैरों में क्या ऑक्सीजन के सिलेंडर लगे हुए थे? कितना अच्छा डायलॉग लिखा है। जाओ साला, पहले उसका साइन लेके आ, पहले उसका साइन लेके आ, पहले उसका साइन लेके आ। अबे तूने भाई को पुलिस में भर्ती कराया या मुनीम लगाया? कर लो जितना मर्जी कर लो, मैंने आपको फिर भी नहीं पहचाना। मुझे तो मेरे घर वाले भी नहीं पहचानते। ओ जीतू जी, पाए लागू। जीतू रे बेटा। ये आप कृष्णा की एक्टिंग क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं, वो मेरी एक्टिंग करता है। तो आपने अपना सामान दूसरों को क्यों दिया हुआ? अगर उन्हें आपकी एक्टिंग को कहीं ठोक दिया तो आप क्या करोगे? मैं कॉमेडी करूंगा, ऐसे 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 ऐसे। एक मिनट, मुझे अच्छी तरह से पता है ये कॉमेडी नहीं है, ये डांस का स्टेप है। कॉमेडी के लिए पंच मारने पड़ते हैं। तुझे पता है, फिर तू पंच क्यों नहीं मारता? मुझे फोन करने दे। अच्छा आप पीसीओ से फोन करेंगे? तुझे क्या लगता है मेरे पास एक रुपया भी नहीं है? घटिया फोन। इतना थूक इकट्ठा हो गया मेरे अंदर, अभी मैं दूध पत्ती मंगाऊं ना तो 3 कप चाय बन जाएगी उसमें से। जितना मर्जी नाच ले, मैंने तुझे फिर भी नहीं पहचाना। अच्छा तो रुक, अभी बताती हूँ। अब बता, पहचान लिया? ये तो वो है जो खोल के पंच मारती है, करिश्मा टांगा। करिश्मा तन्ना। यहाँ पे क्या करने आई हो? अब मैं कॉमेडी सर्कल से आउट हो गई हूँ, मोबाइल में बैलेंस भी नहीं है, तो फोन करने आई हूँ। हेलो प्रोड्यूसर साहब, मैं शो से आउट हो गई हूँ। शुक्र कर शो से आउट हुई है, वरना जैसा तुझे पार्टनर मिला ना, तेरा देश निकाला बनता। उसके शरीर से इतनी गंदी बदबू आती है। शुक्र कर तुझे शरीर से आती है, लोगों को उसके एक्ट से आती है। अपने टीवी पे परफ्यूम छिड़क के उसका एक्ट देखते हैं वो। सर मैंने बताया आपको, इसीलिए फोन किया। सर मुझे वो जो राजेश है ना, उसका पार्टनर बता दो ना प्लीज। लो छोटे मुंह से हटी तो बड़े मुंह के पास चली गई है। उसका मुंह पता इतना बड़ा, वो गिलास से पानी तो पीता नहीं है। उसने घर में एक स्पेशल फ्लैश लगा रखा है, कबोर्ड में मुंह रखता है और ऊपर से फ्लैश छोड़ देता है। अब वो जो भारती है ना, उसको मेरा पार्टनर बना दो। कौन? चाइना की गुडी मरुती? सर वो अच्छी है पर थोड़ी सी मोटी है। अबे मोटी तो होगी, खाती पता नहीं कैसे कैसे है। कल चाय में केले डुबो डुबो के खा रही थी। केला गल के चाय में गिर गया, इसने कसम खाई आज के बाद केला चाय में नहीं डुबोंगी। मैंने देखा बाद में चाय में मूलियां डुबो डुबो के खा रही थी। तू एक काम कर, तुझे बेस्ट ऑप्शन देता हूँ, हैंडसम स्मार्ट जिस पे हर लड़की मरती है, राजीव ठाकुर को अपना पार्टनर बना ले। वो बच्चे के सर पे रोटी खाने वाला। आज तो हमारे साथ बच्चा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा वादा है कि आज हम अच्छे नंबर जरूर लेंगे। थैंक यू। अर्चना क्या कहना चाहेंगी इन शेट्टीज के बारे में? भाई हैट्स ऑफ। एक तो हमारी बहुत चहेती और बहुत प्यारी बच्ची सलोनी हालांकि नहीं है, आप पर ये इल्ज़ाम हमेशा लगाया गया कि आप क्या बच्चे के सिर पर रोटी खाने सिर पर रोटी खाने वाले, लेकिन आज आपने प्रूव कर दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आज आप दोनों ने एक ट्रूली फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग एक्ट दिया है। फैबुलस रश्मि, आई थिंक यू सपोर्टेड हिम थ्रू थूक एंड थिन, एंड बट इट वॉज अ वेरी नाइस एक्ट। आपसे जितनी उम्मीद थी उससे उम्मीद से दुगना। यू आर द बिगेस्ट सरप्राइज पैकेट ऑफ दिस एक्ट। फैंटास्टिक। अब है स्कोर्स की बारी। 9 points। थैंक यू अर्चना। परफेक्ट। 10 points। थैंक यू सो मच।
अब बारी है हमारी अगली जोड़ी की. डेंजर जोन से इन्हें बहुत प्यार है, बॉटम टू से तो इन्हें मोहब्बत है. दे जस्ट क्रेजी अबाउट इट. और अब ये प्यार मोहब्बत की बातें न्यूज़पेपर में भी आने लगी है. हाँ, और खुद न्यूज़पेपर आया है ये बताने. प्लीज वेलकम सीजन टू के सुमन, राजीव एज न्यूज पेपर विथ राजेश. आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर. न्यूज पेपर में तो क्या कोई औकात नहीं क्या मेरी? दो रुपए का मिलता हूं तो क्या हुआ? अरे अमर सिंह समझ के पार्टी से निकाल के फेंक दिया मेरे को एकदम. आया देखो मोटा रात भर सो करके. रात भर किधर किधर हाथ लगाया होगा उसी हाथ से पकड़ लेगा अभी. अबे किधर लेके जा रहा है? टॉयलेट. अबे तुझे आई तो तू जाना, मुझे कहाँ ले जा रहा है? ओहो सियाचिन में ढेर सारी गोली बारियां, असर यहाँ तक हो रहा है. प्रियंका चोपड़ा रैंप पे जलवे बिखरने वाली है. अबे तेरे जो जलवे बिखर रहे नीचे वो देख. कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट. अबे या तो पढ़ ले या तो कर ले. अरे बाप रे बाप, अंधेरी में 24 घंटे पानी की कटौती. तू वैसे फाड़ना शुरू कर दिया लोगों ने. अरे टॉयलेट में ले जाकर के पढ़ते. शाहरुख खान की फिल्म रिलीज. अबे तेरी रिलीज हो रही, इस पे फ्लैश चला पहले. राधा श्याम कही है, सीताराम कही है, सीताराम. अरे बहू आज की अखबार कहाँ है? उड़िया की आग में मोतिया बिंदे दिखाई कुछ नहीं पड़ता, लेकिन पेपर पढ़ेगी मरने वाली है. राशि फल जरूर चाटेगी. चाट कहाँ है राशि? राशि कन्या, कन्या ये है कन्या. कद 5 फीट 6 इंच, रंग गोरा, वाह वाह. अरे मुँह नाच पीते, जवानी की बातें बुढ़ापे में लिखते हो. बुढ़िया को समझ में कुछ नहीं आता, मैट्रिमोनियल कॉलम को राशि फल समझ के पढ़ रही है. ये क्या है? नंगी लड़की. ची 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 ची, अखबार ही लपेट लिया होता. हाय हाय, हमारी इतनी किस्मत कहाँ की लपेट जाऊँ उसको. सीताराम कही है, राजा ध्यान से तो देखूं. हाय राम, ये तो मेरी बहू है. हे भगवान, हमेशा जल्दी में रहती है, ब्लाउज पहनना भूल जाती है. अब हम ये पेपर लेके जाते हैं सत्संग में और अपनी सहेलियों को दिखाते हैं. सीता राम कहिए कभी अच्छा बोलिए, कटु मत बोलिए. अरे कुटिया, ये छी छी कर रही थी फोटो देख के. इसका बुढ़ा फोटो काट कर टिफिन के नीचे लगाता है, उसके ऊपर रोटियां रखता है, उसको लगता है रोटियां गर्म हो जाएंगी मेरी. इसका लौंडा अखबार ऐसे मुंह में चिपका के 1.5 घंटे तक पढ़ता है. ऐसे पढ़ता नहीं है, साइड में पोछा लगा रही बाई को देखता रहता है आड़ से एकदम. कबाड़ी वाले भैया, मेरा टाइम पूरा हो गया. कबाड़ी वाला आ गया, मेरी जिंदगी का सफर पूरा हो. भाई चल, तेरा समय पूरा हुआ, अब तुझे खुला करवा के लिफाफे बनवा ले. आ जा चल भाई. ठीक है भाई, ले चल रहा. लेकिन कबाड़ी वाले भाई, एक मेरी वेदना जाते जाते सुनते जाओ यार. बोलो. अब अखबार की वो औकात नहीं रही जो आजादी के समय हुआ करती थी. लोग अखबार पढ़ते थे, इसी अखबार से देश को आजादी मिली थी. लेकिन आजकल देखो जो खबरें होती हैं, खबरें तो छपती नहीं, कुछ का कुछ छपता है. जनता महंगाई से दबी जा रही है और सरकार शाहरुख की पिक्चर रिलीज कराने के लिए मरी जा रही है. अरे लोग मुझसे कहते हैं कुछ भी कर यहाँ पर हंसा, लेकिन व्यंग और सच्चाई बोलकर मत जगा. लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 में से 7 नंबर पाए. याद करो उन शहीदों को जो लौट के घर ना आए. तो लौट के घर ना आए. ले चलो बाबा ले चलो. कबाड़ी तो रोहित, क्या कहेंगे आप इन सुमंस के बारे में? स्पेशली फॉर राजेश, जो आपने परफॉर्म किए इतने कैरेक्टर्स और जो खूबी से परफॉर्म किया, इट वाज फैबुलस. थैंक यू सर. राजीव का है कि हर बार इन द एंड ही गिव्स अ थोड़ी सी मैच्योरिटी ले आते हैं कॉमेडी में भी, वो विच आई रियली लाइक.
आई थिंक ये पूरे एपिसोड का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है और इस बार खास तौर से जो ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं दिस न्यूज़पेपर आल्सो इज अ वंडरफुल आइडिया एंड अ वंडरफुल एग्जीक्यूशन. थैंक यू मैम. वेरी नाइस. 9 points. No. 9 points again. परेश भारती शरद को मिला है जीवनदान. पिछले हफ्ते जजेस को लगा कि उनका एक्ट थोड़ा बैठ गया था और इस बार तो वो बैठने के लिए काउच ले आए हैं. देखते हैं कि आज क्या होता है. प्लीज वेलकम सीजन 3 के शेटीज शरद एस काउच विद भारती एंड परेश एस वेरियस आर्टिस्ट. हेलो, मुझसे कहा था इस शो में कॉमेडी करनी है लेकिन करने तो देते ही नहीं है. साले करने नहीं देते या तुझसे होती नहीं है. अबे चुपे, आज मुझे ऑब्जेक्ट बना दिया. कहने लगे कि आज शरद राउंड है. जब मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो कहने लगे कि अरे यार तू तो हर एपिसोड में ऑब्जेक्ट रहता है इसलिए ऑब्जेक्ट राउंड में नेचुरल एक्टिंग कर पाएगा. अबे चुपे, इस अस्पताल में इस काउच के आने मेरा क्या हाल हो गया. मुझे तो अपनी किस्मत में रोना आ रहा है यार. यार मेरी किस्मत पे और कौन रो रहा है. हे भगवान, लास्ट टाइम मेरे पति को बचा लो, अब की बार उनकी आंख में मुक्का नहीं मारूंगी. डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अबे यार डॉक्टर के बच्चे हैं. यस, ये तो वाकई डॉक्टर का बच्चा है. कितनी देर से आवाज लगा रही थी, आपने आने में देर कर दी. ये मेरी लाइन है. सॉरी सॉरी मैडम, आपने आने में थोड़ी देर कर दी. नहीं! डॉक्टर, तूने बताने में थोड़ी जल्दी कर दी. आप रो क्यों रही हैं? ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल. आपकी पति की आंख ठीक हो गई है. देखो पट्टी खुलते ही सबसे पहले वो तुम्हें देखना चाहता था लेकिन तुमने आने में थोड़ी देर कर दी. क्या? हाँ. तुमने मुझे मारा क्यों? क्योंकि मेरे पति ने कहा था वो सारी जायदाद उसके नाम करेंगे जिसको पट्टी खुलने के बाद देखेंगे. अरे उन्होंने तो मुझे देखा था. डॉक्टर क्यों इंस्टॉलमेंट में सदमे दे रहा है, सीधे डाउन पेमेंट कर रहा है यार. एक मिनट, देखिए आपके लिए खुशखबरी है. मैंने आपके पति की सिर्फ एक आंख खोली थी, दूसरी आंख खोलनी बाकी है. क्या? हाँ. मुझे मेरे पति के पास ले चलो. हाँ? आधी जायदाद भी कम नहीं होती. चलो डॉक्टर. देखो एज अ डॉक्टर आई वुड एडवाइज. अरे सुनो, अरे दूसरी आंख इतनी जल्दी नहीं खोल सकते. अरे यार इस मोटी ने जान ले रखी है, मैं कहीं और जाऊंगा. मेरा कजिन शक्ति काउच एक प्रोड्यूसर क्या है. ए मलाई की मटकी, फाइनली क्या बनना चाहती है तू? ओ प्रोड्यूसर साहब, मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ. ऑफिस बंद, पैक अप. पैक अप, पैक अप, पैक अप. अबे ए भाई मेरे, ऑफिस बंद होती है तो फर्नीचर वहीं रहता है. बैठ. सर, मैं सच में बहुत बड़ी हीरोइन बनना चाहती हूँ. तू हीरोइन बनना चाहती है? जी सर. डांस वांस आता है? हाँ जी सर आता है. दिखाओ. ये डांस था? नहीं सर वास था. आप ही ने तो कहा डांस वास आता है तो वास आता था, कर दिया. लगता है तेरा ऑडिशन लेना पड़ेगा. सर ऑडिशन ले लीजिए ना सर. अरे बैठे बैठे ऑडिशन होता है क्या? नॉटी, मैंने क्यों नहीं बताया. चुपचाप ऑडिशन में डायलॉग बोल. साहेब आलम, आफताब के कबूतर. सर बस इतना ही. वेरी गुड, वेरी गुड. आई थिंक एवरीबॉडी विल लाइक इट. अब तुम जाओ. सर गुस्सा मान गए. नॉटी, मैं ऑडिशन देकर ही जाऊंगी. मैंने अभी जो लिया ना वही तेरा ऑडिशन था. गुगू, बेवकूफ बनाते हो. मैं ऑडिशन ही जानती, 800 ऑडिशन दे चुकी हूँ. जिसे तुम ऑडिशन कहती हो ना उसे हम एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं और इस ऑफिस में ऐसा नहीं होता. चलो जाओ. देखा आप लोगों ने, फिल्म इंडस्ट्री की इमेज ऐसी है लेकिन सच्चाई क्या है? लोग गलत होते हैं लेकिन काउच बदनाम होते हैं. शुक्र है कि यहाँ आप जैसे और आप जैसे शरीफ लोग. अर्चना,
काउच के बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? ये भारती है जो मैं आदि हूँ जिसको देखने की, वंडरफुल परफॉर्मेंस। शरद, मेरे से ज़्यादा पंचेस आप पर पड़ते हैं, हैट्स ऑफ टू यू। एंड परेश, यू आर वेरी गुड एज यूजुअल, एंड बट सबसे बढ़िया एक्टिंग मुझे लगी है काउच की। सो शेखर, क्या कहेंगे? बहुत दिलचस्प, बहुत मनोरंजक रहा है आपका परफॉर्मेंस, खासतौर पे भारती, यू आर आउटस्टैंडिंग। शरद, यू वर अमेजिंग, बहुत बढ़िया किया। मार्क्स की बारी, 9 points। अर्चना, सो हियर्स अ 9 फॉर यू टू, 9 points अगेन। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए। सी यू नेक्स्ट वीक ओनली ऑन हिपो प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस महासंग्राम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।